ब्रो यार तेरा मस्त। सही है। तू यार एक्सरसाइजेस कर रहा है, ढोले छोले बना रहा है अपने। यार ये जो तू एक्सरसाइजेस करता है, ये जरूर तुमने किसी किसी ने सिखाया होगा तुमको ना, या किसी एक्सपर्ट ने तुमको यार ये गाइडेंस एक्सपर्ट की क्या किया जरूरत होगा। होती है यार, मैं खुद में इतना एक्सपर्ट हूँ। और ये बता, तू हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे यार, किसी को उठा के तू देख ले यार, यार तू फिर खुद भी तो यार एक्सपर्ट इसमें हो ढेर सारी जाएगा। टेक्निकलिटी होती है यार, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, एक रूटीन सेट होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को तो यार तुमने एक मतलब किसी ने यार तुमको टेक्निकलिटी बताया नाम होगा, की कोई किसी ने चीज़ गाइड नहीं होती किया यार, होगा। तू जब खुद से करेगा ये, चाहे तेरे यार यार दोस्त बताएंगे, तू तू वैसे ही सीख जाएगा यार। इसमें किसी यार फिर एक्सपर्ट भी की यार कोई ये ज़रूरत होती सब नहीं यार, बस तू करता टेक्निकल जा यार, चीज़ें कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं होती, चिल कर भाई। क्या आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो कि रोहन करता है? जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कोई एक्सरसाइजेज हो गई, बॉडी की एक्सरसाइज हो गई, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, या चेस्ट का एक्सरसाइज हो गया, जब तक किसी भी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में या उसके गाइडेंस में ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं, तब तक उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता जितना कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अब सेम देखिए आँखों के एक्सरसाइजेस के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं आँखों के एक्सरसाइज के बारे में, आपने कई सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे या आपके कई सारे दोस्तों ने बताया होगा, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर टेक्निकलिटी होती है, किस रूटीन में करना होता है, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कितने टाइम करना है, कब करना है, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो जाकर उसका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। आज मैं आपको आँखों की तीन ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप अपनी आँखों की कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे पूरे एपिसोड में और अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम। आज हम पांडे जिस तीन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम विजन थेरेपी के रूप में भी यूज़ करते हैं। जो पहला एक्सरसाइज होता है उसका नाम है फिगर ऑफ एट। पोजिशनिंग में बैठना होता है, स्ट्रेट तरीके से बैठना होता है पलथी मार के। अब दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, आपको अपने से 8 या 10 फीट की दूरी पे, मतलब 8 से 10 फीट के बीच की दूरी पे, आपको किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करना होता है। एक बार जब आप उस पर फोकस कर देते हैं तो आपको एक इमेजिनरी ईट बनाना होता है, यानी कि आपको एक काल्पनिक आठ बनाना होता है। आप उस पॉइंट के साथ में अपनी आँखों को रोटेट करते हुए आठ बनाते हैं स्लोली स्लोली, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। कि आप इसको 30 सेकेंड तक कर सकते हैं, या अगर आपको 30 सेकंड नहीं काउंट होता है तो उसको आप 5 बार कर सकते हैं। जब 5 बार कंप्लीट हो जाता है या 30 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में फिर से 8 बनाना होता है। इस पहले आपने क्लॉकवाइज बनाया, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है। ठीक 5 बार करिए या 30 सेकंड के लिए करिए, और दोबारा से जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपको उसी सेंटर पे, उसी पॉइंट पे आके रुक जाना होता है जहां से आपने शुरुआत की थी। आंखों की दूसरी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नियर एंड फार फोकस, यानी नज़दीक का और दूर का फोकस करना। आपका जो थंब होता है उसके जो ये जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है वो आपका पॉइंटर है। अपने पॉइंटर यानी थंब को आपको अपनी फेस के 3 इंच के आगे सेट करना होता है। एक बार जब आपका फोकस बन जाता है तो फिर करना क्या है, आपको धीरे धीरे इस पॉइंटर को आपको पीछे ले जाना है। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि जैसे जैसे आपका थंब पीछे की ओर जाएगा, अपनी सांसों को आपको एक्सहेल करना है, यानी आपको सांसें छोड़ना रहता है। जिस रिदम में आपकी उंगली पीछे जा रही है उस रिदम में ही अपनी सांसों को आपको छोड़ना होता है। जहाँ पे आके आपकी उंगली स्टॉप हो जाती है, यानी जहाँ तक आप कैपेबल हैं आपकी उंगली जा सकती है, वहाँ पर आपको जाके रोक देना है। अब जब यहाँ पर जाता है तो सेम आपको फोकस उससे बनाए रखना है। अब ठीक क्या करना होता है कि जैसे ही आपने फोकस बनाया था, आपको सडनली किसी भी 10 या 20 फीट की दूरी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को आपको फोकस करना होता है। यानी कि आप जो 10-20 फीट की दूरी पे आप कोई चीज़ों को देख रहे थे, फोकस कर रहे थे, आपको तुरंत से रिवर्ट बैक करना है और अपने जो उंगली है आपको दोबारा से अपनी उंगली पर फोकस करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्लोली स्लोली आपको ये पीछे लेके आना है जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और जब आप पीछे लेके आएंगे तो आपको इनहेल करना होता है, यानी सांसों को अंदर लेना होता है। जिस स्पीड से आप पीछे लेके आएंगे उसी रिदम में आपको सांसों को इनहेल करना होता है। अब आप वहीं से शुरुआत जहाँ से आपने की थी, आपने अपने थंब को लाके वहीं पर रोक दिया। अब आपको इस पर फोकस बनाए रखना है और फिर सडनली आपको सेम पॉइंट पे, यानी कि जो 10 या 20 फीट की दूरी पे ऑब्जेक्ट को आपने फोकस किया था, आपको तुरंत से उस पर फोकस करना है और तुरंत आपको रिवर्ट बैक करना है अपने फोकस पे, यानी आपने जो पॉइंटर सेट किया था उस पर फोकस करना है। तो आपने समझा, आपने पहले सबसे पहले एक पॉइंटर सेट किया, फिर आप पीछे लेके गए, एक्सहेल किया आपने, फिर आप उस पर फोकस बनाए रखा आपने, फिर आपने कोई 10 या 20 फीट की दूरी पे किसी पॉइंटर को सेट किया, उसको देखा, उस पर फोकस किया, दोबारा से आपने अपनी उंगली पे फोकस किया और उसको पीछे लेके आए, आपने इनहेल किया उस समय और जहाँ से शुरुआत की थी फिर आपने वहाँ पे वहीं पे आके रोका, उसको फोकस किया और फिर सडनली आपने
उस जो 10 या 20 फीट की दूरी पे जिस चीज़ को देखा था उस पे फोकस किया और फिर सडनली वापस से रिवर्ट बैक हो गया। ये आपका एक चरण पूरा हो गया, ये एक सेट पूरा हो गया। इसको करना कितने बार होता है? आपको मात्र 3 बार करना होता है। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है उसको कहते हैं फोकस चेंज। जो टिप पॉइंट पे आपको 15 सेकंड के लिए इसके टिप पॉइंट पॉइंटर पे फोकस करना होता है। एक बार जब आपका फोकस इस पे बन जाता है तो आपको अपनी आंखों से 20, 10 या 15 फीट की दूरी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को फोकस करना होता है 15 सेकंड के लिए। जब आपका 15 सेकंड पूरा हो जाता है तो रिवर्ट करके आपको फिर दोबारा से अपनी उंगली पे फोकस करना होता है 15 सेकंड के लिए। आप इन आंखों की इन तीनों एक्सरसाइजेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसा कि डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है या जैसा कि बताया गया है, टेक्निकली आप बिल्कुल सही तरीके से अगर करते हैं इस चीज़ों को, और जो नज़दीक का नंबर आना है, पढ़ने का नंबर आना है, उसको आप डिले कर सकते हैं। जिन लोगों को कन्वर्जेंस की इनसफिशियंसी होती है, यानी कि जब वो नज़दीक का कोई काम करते हैं तो उनको स्ट्रेस होने लगता है, उनकी आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों की आई एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी कभी हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। जिन लोगों को कोई क्लोज वर्क करते समय डबल दिखाई देता है, डिप्लोपिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डबल विजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया आई एक्सरसाइजेस के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं कुछ नए एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।